झारखंड में महागठबंधन की जीत के बाद सितारगंज के मैन चौराहे पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और मिलकर सभी ने लड्डू एवं मिष्ठान बांटे और आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के हसनन मलिक ने कहा कि झारखंड के अंदर महागठबंधन की सरकार बनी है, जिसकी वजह से सभी कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी ने मैन चौराहे पर लड्डू बांटकर अपनी खुशी प्रकट की। और हमें पूरा भरोसा है कि झारखंड में जो सरकार बनी है, इसने दिखा दिया है कि बीजेपी सरकार का धीरे धीरे पत्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी सरकार ने जो भी वादे किए थे वो सभी वादे झूठे निकले और बीजेपी सरकार पर किसी भी कार्यकर्ता को कोई भरोसा नहीं है। देश के अंदर भाजपा सरकार ने लोगों के साथ धोखा किया है, इसलिए वह पूरे जोर शोर के साथ कांग्रेस को समर्थन करते हैं। कांग्रेस गठबंधन की जो झारखंड में सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही और इनका घमंड और इनका अहंकार, झारखंड की जनता ने इन्हें सबक सिखा दिया और इसलिए आज हम तमाम नगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से और सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से सितारगंज में खुशी मनाई गई इस बात की। भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही, इन्होंने जो वायदे किए थे, इनके सारे वायदे झूठे साबित हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर। आज हिंदुस्तान की जनता और रोजगार ये दे नहीं सके नौजवानों को और व्यापारियों को, कहीं जीएसटी से मारा, कहीं नोटबंदी से मारा। आज पूरा देश परेशान है और पूरा देश इंतजार में बैठा है। जिस जिस स्टेट में जहाँ जहाँ चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा सपा होगा प्रदेश के अंदर, ये भरोसे के साथ कहना चाहता हूँ।